रहे हैं राम मंदिर, मुंबई में भी एक राम मंदिर बनाया जा रहा है। मेरे साथ है नीतीश राणे जी। सर, जो यहाँ पर मुंबई में ये राम मंदिर बनाया जा रहा है, कितना भव्य होगा और कितना बड़ा होगा? आज आप लोगों ने उसका जो है यहाँ पर भूमि पूजन किया है। ये हमारे संजय पांडे जी का काम है। उन्होंने बहुत बड़ा दिल रख के ये निर्णय लिया है कि अगर हर एक राम भक्त अयोध्या जा नहीं पाएगा, दर्शन ले नहीं पाएगा, तो क्यों नहीं हमारे मुंबई में रह के ही हम हमारे राम भक्तों के लिए उस तरीके का अनुभव दे। इसलिए इन्होंने ये बहुत बड़ा राम मंदिर उसी का उस तरीके से खड़ा करने की प्रयत्न किया है, कोशिश किया है, जो 20 तारीख से दर्शन के लिए खुलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और सभी राम भक्तों ने आखिर इसका लाभ लेना चाहिए। सर, बार बार बीजेपी कहती है हम राम मंदिर से दूर हैं, जो है ये जो है विश्व हिंदी परिषद का जो है कार्यक्रम है, तो किस तरह से बीजेपी इसमें जो है अपना योगदान दे रही है? इसमें बता रहा हूँ, ये राम मंदिर किसी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये सकल हिंदू समाज साथ में आके जो जो प्रभु रामचंद्र का भक्त है, जो जो हिंदू बन के ये देश में रहता है, वो हरेक का अधिकार वो अयोध्या में बनने हुए राम मंदिर पे है। ये बीजेपी और ये बाकी राजनीति का विषय है ही नहीं है। हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता है, उसके पहले हिंदू है और इसके लिए हम लोग साथ में आके इस तरीके का काम कर रहे हैं। कब से कब तक ये राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों के लिए जो है खुला रहेगा? को आके यहाँ आप राम लल्ला का दर्शन ले पाएंगे। आप देखिए कि ये ओशिवारा का मैदान है और आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो इस मैदान में जो मंदिर की तैयारियां चल रही हैं वो शुरू हो गई हैं। देखिए कि किस तरह से ये भव्य मंदिर, जैसे कि बताया जा रहा है कि 50 फुट का ये मंदिर बनाया जाएगा, तो पूरे मैदान में उसका कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो गया है। ये स्टेज बनाया जा रहा है और इसके ऊपर जो है मंदिर बनाया जाएगा। राम जन्मभूमि महोत्सव को लेकर के देखिए कि यहाँ पर पोस्टर लगा दिया गया है कि दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर की प्रतिकृति का भूमि पूजन समारंभ। तो इस तरह की यहाँ पर जो है ये एक छवि बनाई जाएगी जो है मुंबई की। मैं आपको बता दूं कि भले ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा हो, लेकिन शहर शहर राम मंदिर की प्रतिमूर्ति देखने को मिल रही है। हर शहर में, मुंबई में भी कई जगहों पर इस तरह की प्रतिमूर्तियां बनाई जा रही हैं। कुछ रथ पर बनाई गई हैं, कुछ मैदान में बनाई जा रही हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही बताया जा रहा है कि जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या में भीड़ होने वाली है, उसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अयोध्या जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं, इसकी वजह से इस तरह की जो है ये राम मंदिर की जो है प्रतिमूर्ति बनाई जा रही है और लोग यहाँ पर जो है आएंगे उस दिन, यहाँ पर दर्शन करेंगे कई दिन और इस बात का एहसास करेंगे कि जैसे वो अयोध्या में हों, राम मंदिर के साथ हों। देखिए कि यहाँ तमाम कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं और इस तरह से ये मूर्तियों को बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए कि इनसे बात भी करते हैं। ये कितना बड़ा मंदिर बना रहे हैं भाई साहब आप लोग? 26 फीट का। कितने दिन इसको समय लग जाएगा? आज शाम तक रेडी हो जाएगा। ये क्या बना रहे हो अभी? ये उसका पिलर है। पिलर है, हाँ। देखिए ये पिलर यहाँ पर बनाया जा रहा है और भी लोग हैं, हम यहाँ पर बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और जो है अपना जो है सहयोग दे रहे हैं। भाई साहब, मंदिर बना रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बना रहे हैं, सही कर रहे हैं। सब लोग ना, सारे भक्त इधर आएंगे, लोग दर्शन करने लोग आएंगे, देखेंगे। और अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे तो यहाँ पर सब लोग आकर अपना मनोकामना जो भी पूर्ति कर लेंगे लोग। कितना बड़ा मंदिर ये बनाएंगे? बहुत बड़ा मंदिर बनेगा ये। पूरा सेट तैयार हो रहा है? हाँ, पूरा सेट तैयार हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मुंबई एक ऐसी नगरी है, फिल्मों की नगरी है और यहाँ पर तमाम तरह के सेट तैयार किए जाते हैं और उसी का एक जो है उदाहरण होगा ये ओशिवारा इलाके में ये बनाया जा रहा मंदिर। देखिए कि यहाँ पर तमाम कारीगर लगातार यहाँ पर इसको काम बनाने का काम कर रहे हैं और 20 तारीख से लोगों के लिए ये मंदिर जो प्रतिमूर्ति है अयोध्या राम मंदिर की वो बनकर तैयार हो जाएगी। उसकी पूरी तैयारियां यहां पर हो चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर को बीजेपी बनवा रही है। जी हां, बीजेपी के जो नेता हैं संजय पांडे और वो इसको बनवा रहे हैं और साथ ही इसका उद्घाटन करने के लिए, भूमि पूजन के लिए बीजेपी के नेता नीतीश राणे यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हमने उनसे सवाल किया कि बीजेपी तो अपने को राम मंदिर से दूर कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदुओं की स्वाभिमान की बात है, हिंदुओं का एक पर्व है और उसके साथ जो है बीजेपी हरदम खड़ी रही है और सभी भक्तों को जो अयोध्या नहीं जा सकते वो यहाँ पर आए और ये जो मंदिर की प्रतिमूर्ति होगी उसमें वहां पर लगातार ये जो है उसमें पूजा पाठ करें और एहसास करें कि जैसे वो अयोध्या में हैं और जब अयोध्या जाने का समय मिलेगा तो उन भक्तों को अयोध्या भी ले जाया जाएगा। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
Thank you.